السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت معلما رواه الدارمي मोहतरम उलमाए किराम बहुत ही काबिल एहतराम मुअल्लिमात मुझे जिस टॉपिक पर बात करने के लिए कहा गया है कि असातिज़ा अपने मुकाम को और अपनी ज़िम्मेदारी को पहचाने हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक पर बात करेंगे और दो बातें करेंगे। एक बात तो ये कि जब तक आदमी को अपने मुकाम का एहसास नहीं होगा अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होगा तब तक वो वैसे काम नहीं कर सकता जैसा इस्लाम चाहता है। नंबर दो कि हमारी जो मेन ज़िम्मेदारी है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना उसका तरीक़ा क्या अख्तियार किया जाए क्या क्या बातें की जाएँ कैसे बातें की जाएँ बहुत ही प्रैक्टिकली बातें करेंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जो मैंने हदीस पढ़ी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे जो भेजा गया इस दुनिया में तो बहुत से उसके मकसद हैं, उसमें से एक बुनियादी बात आपने जो अपने बारे में बयान किया कि इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमन कि मैं तो बहैसियत उस्ताद के भेजा गया हूँ, मेरा काम है तालीम देना, मेरा मकसद जो है वो लोगों को मोटिवेट करना किस चीज़ के लिए कि ये अपनी दुनिया में रहते हुए अपनी आखरत को कैसे बनाएं। हमारा मेन पर्पज़ ये है, यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मकासिद में से एक बड़ा मकसद है। इसी बात को आपने फरमाया कि इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमन कि मैं उस्ताद की हैसियत से भेजा गया हूँ इस दुनिया में। ज़िम्मेदारी में मैं तीन चार बातें बुनियादी तौर पर बताना चाहता हूँ, उससे पहले एक ब्रैकेट की बात बताना चाहता हूँ तमहीद के तौर पे कि किसी भी आदमी को या किसी भी इंसान को जब तक आखिरत का खौफ न हो जब तक अल्लाह की पकड़ का एहसास न हो तो दुनिया की कोई भी राडार उसे काम नहीं करा सकता, उससे जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत से स्कूल में एक आदमी बहुत एक्टिव होता है, जब वो आ जाता है स्कूल के अंदर तो असातिज़ा बच्चे सब बहुत ही अलर्ट ये वो हो जाते हैं। अगर वो मालूम हो जाए कि आज वो आदमी नहीं है तो पूरे स्कूल का माहौल ख़राब हो जाएगा, बच्चे से लेकर के असातिज़ा तक। क्यों? क्योंकि एक फ़र्द की वजह से लोग डर के काम कर रहे थे, लिहाजा जब वो फ़र्द नहीं होगा तो नतीजा क्या निकलेगा कि वो जो माहौल रहना चाहिए वो माहौल नहीं रह सकता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि फ़र्द का डर ना बैठे, फ़र्द के डर से काम ना हो, बल्कि जो काम हो वो अल्लाह है वो देख रहा है, ये आपने तरबियत करने की कोशिश की। मैं एक मिसाल बताता हूँ, एक आदमी से ज़िना हो गया, वहाँ कोई नहीं था, उसने आकर के अल्लाह के रसूल से कहा कि मुझसे गलती हो गई है, जो सज़ा आपको देना हो दे दीजिए। ये क्या है? ये अल्लाह ताला उसके दिमाग में ये बात है कि मैं अगर यहाँ बच गया हूँ कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह पकड़ ले, लिहाजा आ करके किसी ने नहीं देखा था,
ना हुजूर के पुलिस डिपार्टमेंट ने देखा था, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आकर उसने इकरार किया। एक औरत का वाकया है, उसने भी आकर के इसी केस को इकरार किया कि अल्लाह के रसूल मुझसे ये गलती हो गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सवाल किए उससे कि तुम्हारे ऊपर कभी जुनून होता है, क्या तुम पागल हो जाती हो कभी, या शराब पिए थे। सारी बातों को नकारती रही वो आदमी भी और ये भी, ये दोनों अलग अलग केस है। लेकिन उनको सिर्फ एक चीज़ रही कि हमारा अल्लाह हमको पकड़ने ले, इस वजह से उन्होंने अपने आप को ला करके नबी के सामने पेश कर दिया। एक और वाक्य बताता हूँ। एक आदमी ने, सही हदीस है, एक आदमी ने खेत बेचा एक साहब को, एक साहबी खरीदने वाले, एक साहबी बेचने वाले। वो इत्तफाक ऐसा हुआ कि जिन्होंने खरीदा खेत को, तो खेत जब वो खेती कर रहे थे तो अचानक उसमें से नीचे से एक सोने का डला निकल आया। जब उन्होंने देखा तो निकाह उठा लिया और लेकर के उस साहबी के पास गए जिसका खेत था कि भाई साहब मैंने आपसे खेत खरीदा है, ये सोना मैंने नहीं खरीदा है, लिहाजा ये सोना आपका है। उन्होंने कहा कि साहब जब मैंने खेत बेच दिया तो उसमें जो कुछ है वो सब आपका है, लिहाजा सोना आपका है। दोनों आदमी को खौफे खुदा है, सोना तो सबको पसंद है ना। दोनों आदमी के अंदर ये बात जो तरबियत की गई रसूल की तरफ से, लड़ाई इस बात पर हो रही है कि हम सोना नहीं लेंगे। लड़ाई इस बात की नहीं है कि मैं हम सोना लेंगे, लड़ाई इस पर नहीं है, लड़ाई इस पर है कि हम सोना नहीं लेंगे। और इस वजह से दोनों आदमी ने नबी के सामने जाके केस रखा कि ये आप मसला हल कर दीजिए, मैं इसको लेना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं इसको लेना नहीं चाहता हूँ। बहरहाल आगे की बात है, वो फिर वो मकसद हमारा नहीं है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत करनी चाहिए और जिसमें वो बहुत कामयाब हुए, वो एक टीम ऐसी बयान की जिसके अंदर आखिरत और खौफ खुदा, वो दोनों चीज़ों की वजह से आपको जितने वाकयात नज़र आते हैं, सहाबी ऐसी हैं, सहाबियात ऐसे हैं, उन सब के पीछे राज ये है। जब तक हमारे अंदर आखिरत का एहसास नहीं होगा कि हमारा अल्लाह हमको देख रहा है, और आपको मालूम है सबसे ज़्यादा सवाब उस लम्हे का होता है, गौर से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा सवाब उस लम्हे का होता है जब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि मेरा अल्लाह देख रहा है। एक छोटी सी मिसाल अपनी देता हूँ। रोज़ा जब बंदा रखता है, या अल्लाह की बंदियाँ रोज़ा रखती हैं, तो रोज़े के सवाब के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी की रवायत है कि अस्सौमु ली वाना अज्ज़ी बिह, रोज़ा मेरे लिए बंदे ने रखा है, मैं रोज़े का बदला दूंगा। कौन कहता है? ये हदीस कुदसी है, अल्लाह कहता है। सवाल ये, नमाज भी आपने उसी के लिए पढ़ा है? पूरी हदीस में ये नहीं कहा गया है कि नमाज मेरे लिए पढ़ा है लिहाजा मैं नमाज का बदला दूंगा, बल्कि मैं आगे बढ़ करके अगर ये कहूँ कि सारी नेकियाँ इसी वजह से की गई हैं कि हमारा अल्लाह हमको बदला देगा, लेकिन किसी को अल्लाह ने अपनी तरफ जोड़ा नहीं है सिवाय रोज़े के। रोज़े में ये बात कही, बंदा ने रोज़ा मेरे लिए रखा और मैं रोज़े का बदला दूंगा। वजह क्या है इसकी, वो बताता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको। देखें, एक आदमी, एक औरत है, किचन में, बहुत गर्मी शदीद है, रमज़ान का महीना है, फ्रिज भी रखी हुई है, बॉटल का पानी भी ठंडा रखा हुआ है, सब कुछ मौजूद है फ्रिज में, कोई नहीं है, अकेले वो जो कुछ भी कर रही है बना रही है, लेकिन वो एक कतरा पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि प्यास शिद्दत की लगी हुई है। किस चीज़ ने रोका है उसको? वो अल्लाह का खौफ है। लिहाजा इस खौफ की बुनियाद पर ये सवाब की बात कही गई कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं रोज़े का बदला दूंगा। तो हकीकत क्या है कि जिस लम्हे
एक आदमी के दिल में खौफ खुदा आ जाए, अल्लाह का एहसास आ जाए, उसके सवाब का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। बुखारी की एक और रवायत है जिस आपने पूरा वाक़या सुना है, मैं सिर्फ इशारा करूँगा कि एक औरत ने देखा कुएं पे पहुंची, एक कुत्ता प्यासा था और उसने उस कुत्ते की प्यास को महसूस किया कि ये अल्लाह की मखलूक है और हमारा अल्लाह ये चाहता है कि उसके मखलूक के साथ रहमदिली की जाए। वहाँ कोई नहीं था, वहाँ कोई नहीं था सिवाय कुत्ते के और कोई नहीं था। उसने पानी निकाला और उस कुत्ते को पिला दिया। हदीस में आता है उस वक्त के नबी को वही के ज़रिए बताया गया कि आप इसको इत्तला दे दें कि रब्बे दुल जलाल ने उसके इस अमल से उसके, हालांकि वो फहाशा औरत थी, औरत बदकिरदार थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त के नबी से कहा गया कि उसको बता दें कि तेरे इस अमल की वजह से मैंने तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए। वजह क्या है? एक लम्हे के लिए उसके दिल में ये खौफ आया कि ये अल्लाह की मखलूक परेशान है, इसकी मदद करनी चाहिए। तो जो लम्हा हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का खौफ का गुजरता है ना, उससे ज़्यादा कीमती कोई लम्हा क़यामत पे नहीं होगा। जो आपके और हमारे तराजू में तौला जाए तो उससे भी ज़्यादा कोई वज़नदार चीज़ हो। लिहाजा सबसे पहली चीज़, बुनियादी चीज़ ये कि जो कुछ भी हम करें, हम नेक बने, किसी के लिए नहीं बने, अल्लाह के लिए नेक बने, अल्लाह के लिए काम करें। क्योंकि बंदा तनख्वाह दे सकता है, सवाब नहीं दे सकता। परवरदिगार आलम सवाब देता है जो अनलिमिटेड होता है। लिहाजा अगर ये नज़रिया होता है तो फिर एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है। मैं इसके पहले भी शायद आपसे बात की कि मैं कई मरतबा जापान मैंने विजिट किया, क्योंकि मैं भी बेसिकली एक टीचर हूँ। तो वहाँ के जब मैंने हालात देखे जापान के, सारे शहर बड़े बड़े मैंने विजिट किए, तो ऐसा लगता था कि जैसे, मतलब आपको एकदम हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा लगता था कि जैसे फरिश्ते हैं जो ज़मीन पर चल रहे हैं। यानी इतना अखलाक कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी अगर ईमान डाल दिया जाए तो बकिया किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब ऑलरेडी फिटेड है। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि ये इतना ज़्यादा कहाँ से इनके अंदर ये डेवलप हुआ, कैसे हुआ। तो जिन लोगों ने मुझे बुलाया था तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ, और तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हुआ है स्कूल से, आप चलिए और आपको 2-4-10 स्कूल आपको विजिट कराते हैं, आप उनसे बातें करें असातज़ा से। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने 4-6 स्कूल विजिट किए, नीचे कैटेगरी के भी, प्रोफेशनल, और बहुत खुश होकर के उन्होंने मतलब हमसे बात की। तो उसमें जो बुनियादी बातें उन्होंने की वो हैरत कुन, यानी कि ना खुदा का तसव्वुर है, ना आखरत की पकड़ का तसव्वुर है, और उसके बावजूद स्कूल इतना ऐसा है कि पूरे सोसाइटी को नहीं, पूरे मुल्क को उसने क्या कर रखा है, एक बेहतरीन किस्म के की नस्ल तैयार कर रखी है। तो मैंने उनसे जब बातें की तो उन्होंने बहुत बहुत बातें किया, बहुत सी बातें बताई। दो एक बातें जो उनकी बड़ी है, उन्होंने कहा कि हमने सबसे ज़्यादा इस बात को जोर दिया है अपनी ज़ात पर कि कैरेक्टर जो किसे कहते हैं, उन्होंने दो जुमले में कहा जिसको सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है। उन्होंने कहा हमारे नज़दीक कैरेक्टर ये होता है, अखलाक ये होता है कि अपनी ज़ात से दूसरे को फ़ायदा पहुँचाना, नंबर एक। नंबर दो, अपनी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुंचाना, ये हमारे पास मिनिमम दर्जा है, वो हमारे पास मैक्सिमम है। ये हम बच्चों को 24 घंटे सिखलाते हैं साल का, उनके यहाँ LKG UKG से पहले 2 साल तक बग़ैर बैग के बच्चे आते हैं, कोई बैग नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उनको अखलाक सिखलाते हैं। रोड पर ले जा कर के, मॉल में ले जा कर के, रोड क्रॉस करा करके, पूरे शहर में कि कैसे हम अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो बुनियादी चीज़ उन्होंने, तो मैंने कहा कि इसके पीछे
तो उन्होंने कहा उसके हम सबसे पहले हमको वैसा बनना पड़ता है। जो असल बात है, तकरीरें करना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है तकरीर करना। जब लोग सुनते भी हैं तो वो भी समझते हैं कि बातें बहुत करता है। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। किरदार का गाजी बन न सका, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। तो ये एक हकीकत है कि उनकी बुनियादी वजह क्या है, वो खुद वैसे बन गए, लिहाजा उन्होंने पूरी नस्लों को सुधार दिया। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक साहब के घर में मुझे दावत थी, तो ऐसे ही हॉल में बैठे हुए थे, बड़ा सा हॉल था। उन्होंने कहा मौलाना साहब आप देखना चाहते हैं कि इनके स्कूल में इनकी क्या तरबियत हुई है, तो आप ऐसा करें टिशू उठाएं और आप पोछें, और आप ऐसे डस्टबिन में ना डालें, आप ऐसे नीचे डाल दें। ये बच्चे जो छोटे छोटे खेल रहे हैं, इसमें से कोई एक बच्चा ज़रूर उठेगा और ये टिशू पेपर उठाएगा, ले जा करके डस्टबिन में डालेगा। अगर आप ऐसा 10 मरतबा करेंगे, वो 1 मरतबा भी आपसे बहस नहीं करेगा, वो टिशू उठाएगा डस्टबिन में डालेगा, आप करके देख लें। मैंने 1 मरतबा किया, वो बच्चे छोटे बच्चे ज़्यादा दादा सब 6 साल के नीचे थे, तो वो आए, एक छोटी सी लड़की आई, उसने टिशू उठाया, ले जाकर डस्टबिन में डाल दिया। मैंने 5-7 मिनट के बाद दूसरी जगह टिशू डाल दिया। ऐसे मैंने 5 से 7 मरतबा किया, और वो बच्चे जिसकी भी निगाह पड़ी वो किसी से बोलता नहीं, वो ये भी नहीं कि अब जैसे हम तो हमारे बच्चे अगर 1 मरतबा कर देंगे 2 मरतबा तो उसके बाद इसको तमीज़ ही नहीं है मौलाना साहब को, ये फेंक रहा है, वो तो ये बोलना शुरू कर। वो ऐसे ही बराबर उठाते रहे और डस्टबिन में डालते रहे। उन्होंने कहा इनको ये बताया गया है कि सर्विस करने के लिए आप सामने वाले को तकलीफ नहीं दें, आप सर्विस करें कि आपकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। ये टिश्यू पे डाला गया, किसी ने किसी को तकलीफ होगी आप इसको खत्म करें। लिहाजा एक बात की आपसे करना चाहते थे। दूसरी चीज कि जो ये मुकाम है टीचर का, नबी का खुद ये कहना कि मैं एक बहसियत उस्ताद भेजा गया हूँ, आदमी किसी चीज़ को वो कहते हुए शर्म उस वक्त महसूस करता है। शराब के जो लोग दुकान किए रहते हैं, कभी भी आप उनसे मिलें, मैंने कई लोगों से इंटरव्यू लिया है, कभी वो नहीं कहते कि अगर आप उनसे पूछें कि आपका बिजनेस क्या है, हालांकि करोड़पति आदमी हैं, कभी नहीं बोलेंगे कि मेरी दुकान शराब की। वो चाहे गैर मुस्लिम हो, मुसलमान तो खैर करता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, गैर मुस्लिम भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं होता है कि मेरी बहुत बड़ी दुकान किस चीज़ की है, शराब की। क्यों? क्योंकि उसे भी मालूम है कि इस चीज़ की नस्बत अच्छी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने आप को मंसूब करना कि मैं बहते थे उस्ताद भेजा गया हूँ, ये ख़ुद उस्ताद के लिए एक बहुत बड़ा शर्फ है कि अल्लाह के रसूल अपने आप को उस कैटेगरी में दाखिल करके गुफ्तगू फरमा रहे हैं। 4 चीज़ें आपसे बताना चाहता हूँ मुख्तसरन। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर इस मुकाम को पहचानना चाहती हैं या असातज़ा पहचानना चाहते हैं, तो ये समझ लें कि ये एक अमानत है, तलबा एक अमानत है। अमानत के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, वो बर्ताव जब तक नहीं होगा तब तक ना हम इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और आखरत में सवाल ही नहीं उठता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। ये एक अमानत है तलबा, जो बहुत किसी भी आप पेरेंट्स से मिल करके पूछें तो एक बड़ी वजह जो बताएंगे कि आपने इस स्कूल में क्यों दाखिल किया, तो वो बुनियादी वजह जो बताएंगे कि ये वजह है कि हमने तो यहाँ इस समझ कर दाखिल किया है कि हमारा बच्चा दीन और दुनिया दोनों क्या करेगा, हासिल करेगा। तकरीबन 99% का ये, और भी जवाब हो सकते हैं लेकिन ये जवाब कॉमन होगा। लिहाजा ये अमानत समझकर जो है वो तालिब इल्मों के साथ बर्ताव किया जाए। और अमानत जब कह दिया गया है तो अमानत के बारे में क़यामत में ज़रूर सवाल होगा। नंबर 2, ये समझ करके
दूसरी बात ये समझ करके कि ये हमारी पूंजी है, कैपिटल है, ये हमारी पूंजी है। और पूंजी से मुराद मेरी ये है कि दो सिफत किसी भी उस्ताद के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी उस्ताद के अंदर दो सिफत पाई जाती है तो वो कुछ भी हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, पीएम हो सकता है, लेकिन वो उस्ताद नहीं हो सकता है। दो सिफतें कतई किसी भी उस्ताद के अंदर नहीं होनी चाहिए। पहली सिफत, तलबा से इंतकाम का जज्बा नहीं होना चाहिए कि अब देख लेंगे, पेपर में देख लेंगे, कुछ भी हो वो एक अलग मैटर है। ये हर उस्ताद के अंदर, वही उस्ताद उस्ताद है जिसके अंदर इंतकाम का जज्बा ना हो, पहली सिफत। और दूसरी सिफत, वालिद में और असातिज़ा में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि दोनों को अपने औलाद से और असातिज़ा को अपने शागिर्द से कभी भी हसद नहीं होना चाहिए। ये दो सिफतें जो हैं अगर हमारे अंदर पाई जाती हैं तो हम हकीकत में गलत लाइन में, गलत डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, हम हकीकत में इस डिपार्टमेंट के लायक नहीं हैं। ये दोनों सिफतें अगर निकाल दी जाएंगी तो आप इनको पूंजी समझेंगे कि ये हमारी कैपिटल हैं, ये हमारी पूंजी हैं, और अपनी पूंजी की हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम क़यामत में भी और दुनिया वालों के सामने भी बता सकें कम से कम अभी, अगर मिसाल के तौर पर अभी हमको अल्लाह ताला मौत दे दे तो हम कह सके कि अल्लाह ताला ठीक है, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को अच्छा बना दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सही हदीस है सियासत्ता की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, अगर तुम्हारी दाद से एक आदमी भी सही रास्ते पर आ जाए तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। लिहाजा ये उनको पूंजी जाने और ये समझ करके कि हमारी वजह से अगर एक तालिबे इल्म की लाइफ चेंज हो जाती है तो ये बड़ी दौलत है, बड़ी पूंजी आपने कमाई है जो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आएगी। ये दूसरी चीज़ आपको बताना चाहते हैं। तीसरी चीज़, अगर इनका तालिबे इल्मों का फ्यूचर अच्छा होता है तो वो हकीकत में जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं, उसमें से उस टीचर को कभी नहीं भूलते हैं जिसने उसमें एक मेजर रोल अदा किया है। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद आलिम बना, फिर दारुल देवबंद से फारिग हुआ। जब मैं सोचता हूँ कि किन लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया तो उसमें असातिज़ा को जब देखता हूँ तो वो आज भी उनकी निगाहें, हमारी निगाहों के सामने उनकी तस्वीरें आ जाती हैं कि इन लोगों का कैरेक्टर था, इन लोगों के अखलाक थे, इन लोगों को ने मोटिवेट किया और इनक्रेज किया कि अल्लाह ताला ने इस मुकाम तक पहुँचाया कि मैं असातिज़ा से बात करूँ। तो जो भी बच्चा जिनका मुस्तकबिल अच्छा होता है वो आपको अपने माँ बाप को भी थोड़ी देर के लिए वो साइड कर सकते हैं, लेकिन उस उस्ताद को कभी नहीं साइड कर पाते हैं जिसकी वजह से उनका फ्यूचर क्या हुआ है, रोशन हुआ है। लिहाजा ये समझकर अपने मुकाम को समझें कि हम एक शख्स के फ्यूचर को जो है वो ब्राइट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और आखिरी चीज़ ये है कि सवाब समझकर काम किया जाए। जब तक सवाब समझकर काम नहीं किया जाएगा तब तक मामला नहीं बनता है। और सवाब सब समझकर बंदा काम करता है तो उसका एक बड़ा फ़ायदा क्या होता है, गौर से सुनिएगा। कुरान मजीद में एक आयत है कि वान्ना सायहू सौफा युरा, कि क़यामत में लोग अपनी कोशिश देखेंगे, नतीजा नहीं। गौर से सुनिएगा इसको, क़यामत में लोग अपनी स्ट्रगलिंग देखेंगे, आपने बहुत कोशिश की, बकौल आपके कि हमने बड़ी कोशिश की लेकिन बच्चे का फ्यूचर अच्छा नहीं हो सका। आपको कोशिश की बुनियाद पर सवाब मिलेगा, नतीजे की बुनियाद पर सवाब नहीं मिलेगा। लिहाजा जब सवाब की नीयत से काम किया जाता है तो इसमें लॉस का कोई भी 1% भी चांस नहीं होता है।
क्योंकि बहुत से नबी ऐसे भी होंगे क़यामत में, हदीस में सही हदीस है कि जब वो चल रहे होंगे तो उनके जो फॉलोअर्स होंगे, एक हदीस में आता है एक ही आदमी होगा, कोई भी उनकी कोशिश के बावजूद ईमान नहीं लाया और वो एक आदमी उनके पीछे। बाद हदीस में यहाँ तक आता है कि कुछ नबी ऐसे होंगे जो चल रहे होंगे और पीछे कोई भी नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता वो अपने मिशन में नाकाम है, नहीं, उन्होंने कोशिश की। अल्लाह ताला कोशिश की बुनियाद पर सवाब देता है। कभी कभी हम फेडअप हो जाते हैं, क्योंकि मैंने भी 20 साल लगातार इसी लाइन में काम किया है, हम फेडअप हो जाते हैं, ये बेकार, इसके सर खपाना बेकार है, इस बच्चे के साथ बकवास है, इसको समझा के थक गए। कोशिश करती रहें, क्यों? आपको सवाब कोशिश की बुनियाद पर है। वो अच्छा हो जाए ये आपकी खुशकिस्मती है, लेकिन आपका सवाब जो है वो रिजल्ट पर नहीं रखा हुआ है अल्लाह ने, बल्कि कोशिश पर रखा है। कुरान की आयत हमेशा याद रखें कि वान सायहू सौफा युरा, लोग कयामत में अपनी कोशिशों को देखेंगे, नतीजे को नहीं देखेंगे। लिहाजा ये पहली बुनियादी बात थी आपसे जो करना चाहते थे। दूसरी चीज जो बताना चाह रहे हैं कि मनफी सोच से बचें। असातज़ा में अगर मनफी नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कि जब ऐसे मीटिंगें होती रहती होंगी, मौलाना कराते ही रहते हैं, जो मैनेजमेंट होता है वो चाहता है कि खूब अच्छा पढ़ाएं, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, तो उसमें जो आ करके पार्टनर आपका जो आपको जवाब देता है, वो एक जवाब ये देता है कि मेहनत तो खूब लेना चाहते हैं, पैसा देते नहीं है। ये एक कॉमन, ये जवाब आपका आपकी तरफ से नहीं है। पार्टनर जानते किसे कहते हैं? हर एक के साथ एक शैतान पार्टनर लगा हुआ है, वो पार्टनर ये बात बोलता है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही, वो बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि टीचर लाइन में तनख्वाहें कम क्यों, ये उनका टॉपिक है, मौलाना ने ये टॉपिक बांधा है। ये जो गवर्नमेंट में तनख्वाहें बढ़ा दी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, उस ये तो अभी हाल की बात है, बढ़ गई प्रोफेसर की, इनकी उनकी, लेकिन अभी भी प्राइवेट सेक्टर पूरे अच्छे से अच्छे स्कूलों में भी जो है, हम इस कैटेगरी के स्कूल सब 20,000 के लपेट में हैं। मैं भी स्कूल चलाता हूँ, लिहाजा मुझे आइडिया है। तो मौलाना ने लिखा है कि आखिर तनख्वाहें कम क्यों होती हैं, जब ये इतना बड़ा काम करते हैं कि पूरी नस्ल को उठाना है, बड़ा काम है, तो इनकी तनख्वाहें कम क्यों हैं। तो मौलाना ने जो जवाब दिया है बहुत अच्छा, हकीम उल उम्मत हैं आपको मालूम है, हजरत ने फरमाया कि ये बताइए कि ऑक्सीजन ज़रूरी है इंसान के लिए या नहीं? कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, बगैर ऑक्सीजन के हम 5 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सस्ती है या महंगी है? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हर जगह ऑक्सीजन का इंतज़ाम रखा है, उसके सस्ते होने से उसकी कीमत का अंदाज़ा ना लगाइए कि ये सस्ती है लिहाजा इसकी वैल्यू नहीं है, ये वजह नहीं है। बहुत सस्ती है लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने ये पॉलिसी बना रखी है, जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो उसको कम मेहनत में और सस्ते में मुहैया हो जाए, ताकि हमारे बंदे सफ़र न करें। कौन? वो बच्चे जिनको तालीम हासिल करना है। अगर सब लोग स्कूल वाले देहरादून के तरीके से फीस लेने लगें तो आप बताएं कितने लोग पढ़ पाएंगे, कितने लोग पढ़ पाएंगे? अच्छा, वो फीस लेते हैं तो तनख्वाहें भी देते हैं। मैंने उनको भी विजिट किया है, नैनीताल को विजिट किया है, देहरादून के बड़े बड़े स्कूलों को देखा है। तो हजरत ने कहा कि कीमत से वैल्यू का अंदाज़ा न लगाया जाए। उन्होंने 3 मिसाल दिया है। उन्होंने कहा कि खाने में जितने भी खाने पकते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है, नमक है।
पूरे खाने में जो कुछ भी आपने डाला है, टमाटर ये वो, उसमें सबसे सस्ता कौन आइटम है? नमक है। लेकिन अगर वो ना डाला जाए तो पूरा खाना बर्बाद है। तो सॉल्ट को उसकी कीमत की बुनियाद पर उसकी वैल्यू ना दी जाए। फिर उन्होंने तीसरी बात कही पानी की, कि पानी बहुत जरूरी है, लिहाजा पानी भी अल्लाह ताला ने बहुत आसानी से फराहम कर रखा है। तो ये जो असातिज़ा की तनख्वाहें कम हैं, उन्होंने मौलवियों से खिताब किया है कि ये जो तुम्हारी तनख्वाहें कम है, इससे ये नहीं अंदाजा करें कि आपकी तनख्वाह कम है तो आपकी वैल्यू कम है। नहीं, वैल्यू तो वैसी ही है जैसे ऑक्सीजन की। ये अलग बात है कि ऑक्सीजन फ्री रखी है, ये अल्लाह ताला का एहसान है। लिहाजा इस बात को कभी भी अपनी वैल्यू जो है ना, अपनी तनख्वाह से नहीं आंकें, अपनी वैल्यू अपनी जरूरत से आंकें कि हम कितने जरूरत वाले लोग हैं इस सोसाइटी के लिए, कि ऑक्सीजन की तरह हमारा असल मामला है, घर के हम फ्री हैं। बात मेरी समझे? तो एक बात, ये बात। दूसरे जो नेगेटिव थॉट में बात आती है, एक छोटी सी बात आती है दर असातिज़ा में, वो ये कि पहले से हम तय कर लेते हैं कि ये इसको पढ़ाना बेकार है, इसके साथ मेहनत करना। उसका जवाब मैंने दिया कि आपको कोशिश का सवाब मिलेगा, कोशिश ज़रूर करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश की का आखिरी दर्जा क्या होता है वो बता देता हूँ। लंबी कोशिश की लिस्ट वो गिनाएंगे तो बहुत लंबी तकरीर होगी। उसका आखिरी पॉइंट बता देते हैं, जब रसूल अकरम कोशिश के बावजूद नतीजा नहीं निकलता है तो उस शख्स के लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इसको ईमान की तौफीक दे दे। जब थक चुक गए कोशिश करके, हमारी भी जिम्मेदारी है, आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिस तालिब इल्म से वाकई में दिलचस्पी रखते हैं कि कुछ पढ़ लें, कभी हमने उसके लिए दुआ किया है? हमारी दुआ उसके लिए बहुत ज़्यादा लगने के चांसेस हैं। वालदैन और उस्ताद की दुआ शागिर्द के हक में बहुत ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। लिहाजा आप जिससे परेशान हो चुकी हैं, कभी तन्हाई में उस तालिब इल्म के लिए दुआ करें। ये एक हमारी कोशिश है नेगेटिव थॉट को कमज़ोर और कट करने के लिए, किसके लिए हम दुआ करें। तीसरी चीज़ ये है, ये लफ्ज से आप इख्तलाफ कर सकती हैं, आप लोग पढ़ी लिखी हैं, ये मैंने जापानियों से सीखा है, वो आपको बता देता हूँ। उनका कहना है ड्यूटी एंड सर्विस इज डिफरेंस, उनका कहना है ड्यूटी एंड सर्विस इज डिफरेंस। तो मैंने उनसे पूछा उसी टीचर से ही वाली मीटिंग में, उन्होंने कहा देखिए आप यहाँ पे कार में आपका दरवाज़ा खटखट खटखट कर रहा है, राइट साइड का कोई नट ढीला है, आप जाएं गैरेज में, उसको बोलें कि भैया इसमें आवाज़ आ रही है, वो चेक करेगा, चेक करने के बाद सही कर देगा। जापानियों की आदत है कि अगर आपने दाहिना दरवाज़ा खटखट बताया है, उसका चेक भी करेंगे, उसका पैसा लेंगे टाइम के लिहाज से कि मैंने आधा घंटा इसमें लगाया, लेकिन बायां दरवाज़ा वो खुद ब खुद चेक करेंगे, बोलेंगे दिस इज माई सर्विस। अगर आपने एक टायर की हवा के लिए कहा कि इस टायर को चेक कर लो, आपके बगैर कहे हुए वो तीनों टायर चेक करेंगे, पहली वाली को बोलते हैं कि ड्यूटी है और तीनों को बोलते हैं दिस इज माई सर्विस। इस चीज ने जापान को इस मुकाम पे उठा के लाके खड़ा किया है। महंगा सामान होने के बावजूद अगर लिखा रहता है मेड इन जापान तो हम सरेंडर हो जाते हैं। वही सामान मेड इन चाइना लिखा रहता है, सेम सब कुछ होता है, उसके बावजूद हम महंगा लेकर के आते हैं, बिकॉज मेड इन जापान है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी दी उन्होंने। वो क्वालिटी के पीछे जो राज है ना, वो राज उनकी ड्यूटी का नहीं, उनकी सर्विस का है। स्कूल में एक ड्यूटी दी जाती है, जो लोग बहुत 4 बजे जाना है, 10 बजे आना है, ठीक है आप ड्यूटी कर रहे हैं, ये सर्विस नहीं है, इससे नतीजा बरामद नहीं होना है। जैसे फर्ज नमाज है, फर्ज ड्यूटी है, फर्ज नमाज ड्यूटी है। बुजुर्ग कौन बनता है? अल्लाह वाला कौन बनता है? फराइज का अदा करने वाला कभी भी अल्लाह वाला नहीं बनता, नोट कर लें।
फराइज के बाद जो लोग नफिल अज़कार, नफिल रोजे, नफिल नमाजें पढ़ते हैं वो अल्लाह की कुर्बत हासिल करते हैं। बंदा वो भी है जो फर्ज अदा कर रहा है, लेकिन ड्यूटी करने वाला जो है ना वो कभी भी कुर्बत हासिल नहीं कर पाता है। बहुत से लोग आप देखें बहुत पढ़े लिखे हैं, नमाज पढ़ेंगे, फर्ज पढ़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर शिकायत करेंगे कि मौलाना साहब रूहानियतें पैदा हो रही है। रूहानियत हकीकत में सर्विस से पैदा होती है, ड्यूटी से नहीं पैदा होती है। तो ये जो आपसे बात यही करना चाहते हैं कि ड्यूटी तो फ़र्ज समझ कर करना चाहिए, और ड्यूटी ना करने पर गुनाह होता है। दारुल देवबंद की ऐसी भी मिसालें हैं, कारी तैयब अलैहिर्रहमा के ज़माने की मिसाल है कि एक उस्ताद अगर 10 मिनट लेट आता था तो रजिस्टर में खुद से लिखता था मैं 10 मिनट लेट आया हूँ, और ये 10 मिनट मैं अपने तलबा को अलग से पीरियड के ख़त्म होने के बाद पढ़ा करके जाऊँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि 10 मिनट की सैलरी मेरे अकाउंट में नाजायज आ जाए। तब वो दारलूम दारलूम हुआ, पूरी दुनिया ने उसका क्या माना, लोहा माना, उसके पीछे ये सब राज हैं। लिहाजा ये मनफी जो थॉट्स हैं इससे परहेज करें। हम 36 मिनट बोल चुके हैं, मौलाना ने मुझसे कहा कि 1 घंटा बोलिएगा। अब आखिरी टॉपिक कि तलबा को मोटिवेट कैसे किया जाए। हम 3-4 बातें कहते हैं, बच्चों में ऊंची उड़ान की बातें करें, और एक दो नहीं सारे लोग दिन भर में एक आध मरतबा कुछ इस किस्म की बातें करें। रिपीटेशन, जो गौर से सुनिएगा जुमला, रिपीटेशन किसी चीज का रिपीट करना लगातार बहुत अच्छे असरात दिखलाता है। मैं एक मिसाल देता हूं, आप देखें आपके घर में एक नल है टॉयलेट पे, एक एक कतरा क्या हो रहा है, लीक कर रहा है, करता रहता है। कुछ दिन के बाद वो जिस जगह पर लीक करता है अगर आपने तवज्जो नहीं दिया तो बेहतरीन टाइल्स को वो काला कर देगा। जितने पानी ने उसको काला किया है, आप 10 टैंकर पानी लाइए और टॉयलेट में डाल दीजिए, टाइल्स पर कोई फर्क होने वाला नहीं है। एक जोश, एक जैसे मैंने कहा कि आप बच्चों को ऊंची उड़ान की बातें करें, नहीं अच्छा चलो महीने में, ऐसा नहीं है, लगातार करती रहें। जिस तरीके से वो टाइल्स पर पानी लगातार पड़ने से टाइल्स काली हो जाती है, अपने असरात दिखला देती है, आपकी गुफ्तगू उस बच्चे को लगातार करने से उसके ऊपर असरात दिखलाएंगे। और जितने लोग दुनिया में बड़े बने हैं आप उनको देखें, उनकी तारीख पढ़ें, उनका इंटरव्यू लें, कभी मौका मिले उनसे बातें करें, तो बताएंगे उसमें इस बात को कि लगातार हमारे उस्ताद हमको ये बातें बोलते रहे। उसके बाद बच्चे के अंदर ये बात पैदा हो जाती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये मोटिवेट करने का सबसे पहला तरीका है, और उसमें 3 बातें करें कि अगर तुम अच्छे बने तो तुम्हारी जात को तो फायदा होना ही होना है, तुम्हारे मुल्क के लिए बहुत बड़े एक फायदेमंद। APJ अब्दुल कलाम का इंतकाल हो गया, APJ अब्दुल कलाम जब तक भारत है तब तक जिंदा है कि नहीं। लोग स्कूलों में उनकी तस्वीरें लगाते हैं, उनके बारे में सेमिनार होता है, सब कुछ आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुल्क के लिए एक काम किया जिस काम की वजह से चाहे जितना तासुब हो जाए, चाहे जितनी नफरत पैदा कर दी जाए, लेकिन APJ अब्दुल कलाम बाकी रहेंगे। ये बच्चे को बताने की फिक्र, ये भी होता ना, बच्चे समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे साथ तासुब, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता है, टॉप की जगह खाली है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, दूसरी जो बात मोटिवेट पे है बच्चे को बताना है कि टॉप की जगह खाली है। कोई एक बच्चा बताइए जो टॉपर हो और परेशान हुआ हो। ये दुनिया इस वक्त मिडिल क्लास जो तालीम हासिल कर रहे हैं, 50 और 70 के बीच पे जो परसेंटेज लेके पास हो रहे हैं, अब इस दुनिया में इनका कोई गुजारा नहीं है, नोट कर लें।
कहने के लिए आप कह सकते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी बरामद नहीं होना है। मेरे घर में एक से एक टॉपर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने किसी बच्चे किसी भाई को, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैंने किसी भाई को डोनेशन देकर कभी एडमिशन नहीं कराया। हमने जब भी हमसे कहा कि हम MBBS में जाना चाहते हैं, हम फला, हमने कहा एक बात समझ लो, डोनेशन देकर हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना हमारे पास पैसा है, ना हम इतना डोनेशन दे सकते हैं। मेरा छोटा भाई अभी USA में है, जब उसने यहाँ के IT एग्ज़ाम में बैठा तो 19 rank इन इंडिया में आया, 19 rank, और सिर्फ एक चीज़ मैंने उनको समझाया, हमने कहा देख बेटा हमसे 15 साल छोटा है, हमने कहा देखो मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 20 लाख 25 लाख रुपए डोनेशन दे करके आपका एडमिशन कराऊँ। हाँ एडमिशन हो जाए फिर हम तुमको चाहे जैसे पढ़ाएंगे, जेवर बेच कर पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे जो छोटा थोड़ा पैसा लगता है पढ़ाएंगे। उसका नतीजा ये हुआ, छोटा भाई हमारा उस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़ा भाई हमारा जो है वो आपको बताया 19 rank लेकर के आया USA में। अभी हमारी दूसरे नंबर की बेटी बोली अब्बा मुझे MBA करना है, हमने कहा MBA की BBA तुमने किया, MBA करना चाहती हो करो, लेकिन शर्त यह है हम डोनेशन देके नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा हम जिस कॉलेज में चाहते हैं वहाँ पे 9 lakh rupees कम से कम लगेगा। हमने कहा आप कोटे में आइए, कोटे में आइए, आप क्यों टॉप की जगह खाली है, हमने कहा कोटे में आइए, कोटे में आ गई एडमिशन हो गया। अभी हमारी तीसरे नंबर की लड़की बहुत अच्छी है, अंग्रेजी में शायर है, आप अंदाजा कर लीजिए मौलवी के घर में अंग्रेजी शायर, उस बहुत सीधी है, कुछ नहीं दुनिया भर के पढ़। हमने कहा देखो तुम BA कर रही हो, उसने कहा मुझे दिलचस्पी इंग्लिश लिटरेचर से है, हमने कहा BA कर रही हो खासकर ये जो आर्ट साइड है इसमें तो जब तक तुम टॉप पर नहीं आओगे तब तक कोई वैल्यू नहीं है, बता दे तुमको, वरना बेहतर है कि घर गृहस्थी में लग जाओ पढ़ना बंद कर दो। उन्होंने कहा अब्बा मुझे BA में दाखिला करा दीजिए और मैं मेहनत करूँगी। आप यकीन नहीं करेंगे अपने कॉलेज में फर्स्ट रैंक आई है 89 या 88% लेकर के। ये सबको मोटिवेट कैसे किया गया, सबसे ये बात बताई गई कि टॉप की जगह खाली है, ये बात दिमाग से निकाल दें कि मुसलमानों को जॉब नहीं लगती फलाने लगती, कितना तासुब करेंगे हम, इस लायक ही हो जाते हैं कि अभी देखें 760 या 761 लोग IAS में पास हुए, आप देख लीजिए कि परसेंटेज क्या है आपका, किस परसेंट में आप आए। वैसे हम चिल्लाते हैं कि मुसलमान 20% है पॉपुलेशन के लिहाज से, तो आप हर जगह 20% हो जाइए। मैं एक जेल में मुझे बुलाया गया तकरीर करने के लिए ईद के मौके पे, मैंने कहा मैं आऊंगा। जेलर एक लेडी थी, आपको बता रहा हूं, देखिए मैंने तकरीर की तो उसने कहा कि सर मैं भी बैठ सकती हूँ तकरीर में, हमने कहा भी बढ़िया ही है, हमने हम ट्रांसपेरेंट लोग हैं, कोई ऐसी हमारी अंडरग्राउंड पॉलिसी नहीं है, आप बैठिए। तो मैंने जब तकरीर किया तो बहुत खुश हुई, तो जब उसके ऑफिस में बैठकर बातें होने लगी तो उसने कहा कि आप ये तकरीर आपने मेरे लिए किया या आप ऐसी ही तकरीर बाहर भी करते रहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो नोट लिख कर लाया था, मुझे मालूम ही नहीं था कि आप बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, देखिए मैंने नोट से तकरीर दी। तो उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी तकरीर आप करते हैं तो यहाँ पर आप 48% कैसे हैं, कहाँ जेल में। कह रही है कि अगर आप ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते हैं, ऐसे ही लोगों को बताते हैं समझाते हैं तो यहाँ 48% कैसे आ गए। भाई आप 15% है सरकार की निगाह में, 20% आप बोलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कैदियों में जो तादाद है वो 20% होनी चाहिए, आप 48% यहाँ कैसे आ गए। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ये हमारी कैफियत है कि जहां पर हमको जिस मैदान में आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, आलिम हो, सब में 20% हो जाए ना, वो हम नहीं करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हम जो है ना वो नेगेटिव थॉट कि जॉब नहीं लगती है, मेहनत करने का फायदा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको सिर्फ अपने घर की
चार मिसालें दी और चारों की एक ही पॉलिसी थी कि टॉप की जगह क्या है, खाली है। आप भी अपने बच्चों को ये फार्मूला सिखलाएं कि टॉप की जगह खाली है। इग्नोर नहीं कर सकते लोग आपको, कितना भी चाहे इग्नोर करना, कितना भी तासुब कोई करना चाहे, तासुब की भी एक लिमिट होती है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात, जब आपने मेहनत की है तो रब्बे जुल जलाल भी तो कुछ करता है कि वो सो रहा है, खुदा न खाता सोता तो नहीं है ना। लाता खुदहू सिनतू वला नौम, कि हम तो झपकी भी नहीं लेते, सोना तो दरकिनार है, हम झपकी भी नहीं लेते। उस रब पर भरोसा करें। और मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा कि टॉप की जगह खाली है, ये फार्मूला अख्तियार करें। तीसरी चीज, अगर हर आदमी टॉप, आप सवाल आपके दिमाग में, मौलाना सब लोग तो टॉपर नहीं बनेंगे, टॉपर तो कोई एक ही होता है, टॉपर तो कोई एक ही होता है, सारे टॉपर होते नहीं है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर टॉपर नहीं बन सकते हैं तो उसका अल्टरनेट उन्होंने बताया कि आप जो भी चीज बनना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, ऐसा काम करें जो सबसे अच्छा हो। झाड़ू देना चाहते हैं, अच्छी सबसे अच्छी झाड़ू दे, आपकी डिमांड इस दुनिया में है। लेकिन ये कि साहब बिजली जरा से खराब हुई तो उसको भी टैंक लिया, मेन खराब हो गई तो सरेंडर हो गए। घर में बात लड़के होते ना, प्रेस भी छेड़ देंगे, बिजली को भी कर लेंगे, जब फंस गए अम्मी मालूम नहीं अब क्या हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। ये जो आपने फुटकर सब जो सबको लगा रखा है, इस ये दुनिया फुटकर वाली नहीं है, ये दुनिया इस वक्त स्पेशलिस्ट की है। एक चीज में स्पेशलिस्ट हो, जिस चीज में आपको दिलचस्पी हो, टेक्निकल लाइन में जिस चीज में भी दिलचस्पी, लेकिन ऐसी हो कि लोग लोहा मान जाएं, लोग इंतजार करें। अयोध्या का वाक्या है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस वक्त, 1980 की बात है। एक आदमी, हालांकि उस वक्त ग्रेजुएशन करने के बाद उमूमन जॉब लग जाती थी, एक आदमी जूते की दुकान रखे हुए था, पुराने जूते के सिलने की, 11 बजे दुकान खोलता था, 1 बजे दुकान बंद कर देता था। जिनको अपने पॉलिश करानी है, जूते चप्पल जो भी, लेडीज जेंट टूट सबको कलेक्ट कर लेता था। उसके बाद 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक दुकान बंद, अंदर काम करते थे, उसके कारीगर थे, मशीनें थी। 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक डिलीवरी देता था। कैसा मोची है भाई इतना एडवांस? वजह क्या थी? जैसी आपकी सिलाई टूटी है वैसी ही सिलाई कर देगा पुराने जूते में, अगर पॉलिश करेगा तो 10 दिन चलेगी, दूसरे के यहां 48 घंटा चलेगी पॉलिश, इसकी पॉलिश 10 दिन चलेगी। लोग भीड़ लगा करके, इंतजार करके उसके यहां जूता बनवाते थे। लिहाजा बच्चों में ये मोटिवेट किया जाए कि टॉप की जगह खाली है, नंबर एक। नंबर दो, कि आप जो भी काम करें, जिस लाइन में भी रहें, उसमें सबसे अच्छा काम करें। आज भी मैं भी कॉलेज का भी जिम्मेदार हूं, अच्छे असातिज़ा लाना एक मसला है और मुस्लिम लाना उससे बड़ा मसला है। आप दे रहे देते रहे, अभी मैं मदरसे में, अभी रियाजुल उलूम जो नया कॉलेज बनाया मदरसा, उसमें मैंने असातिज़ा के लिए सिर्फ इतना कह दिया, क्योंकि मौलवी तो इंटरव्यू देता ही नहीं है ना, मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि मैं डेमो क्लास के बगैर किसी का, मैं किसी को जॉब नहीं दूंगा। 22 आदमी एप्लीकेशन डाले, 2 आदमी आए हैं, हम डेमो नहीं देंगे। हमने कहा मुझे कैसे मालूम होगा आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं देना चाहते, मैंने पूछा। हमने कहा इसका मतलब कि आपके अंदर सलाहियत ही नहीं है। तो अच्छे असातिज़ा की सख्त कमी है इस वक्त, लिहाजा ये बात समझाएं कि हर फील्ड में, ये तो उस्ताद की बात कर रहा हूं, हर फील्ड में अच्छे लोगों की क्या है, कमी है। लिहाजा बच्चों को दोनों बात, तीसरी बात, सब्जेक्ट से दिलचस्पी पैदा कराएं, जिस सब्जेक्ट की आप पढ़ा रहे हैं उससे दिलचस्पी कैसे पैदा की जाए, सब्जेक्ट की दिलचस्पी। बहुत से टीचर्स होते हैं, बच्चे जैसा खेल से दिलचस्पी रखते हैं, वैसी ही दिलचस्पी जब अपने सब्जेक्ट से रखने लगे तो वो सब्जेक्ट को खूब अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप आज नहीं आई, एब्सेंट हैं, तो बच्चे क्लास में कूद रहे हैं, मैम नहीं है,
अब इतना खुश है मैम नहीं होने से, इसका मतलब क्या है कि आपके क्लास से उसको सख्त जो है तकलीफें, लिहाजा आपके ना आने पर उसको खुशी है। होना ये चाहिए था। मेरी बेटी जो पढ़ रही है वुमेन कॉलेज में, उसकी एक इंग्लिश टीचर जिस दिन नहीं आती है वो इतनी सदमा उसको रहता है कि अब्बा आज जो है ना वो पूरा दिन ही समझिए बेकार हो गया, वो मैम आई नहीं। तो उसके पढ़ाने का अंदाज, उसके बोल का अंदाज उसका ऐसा है कि तालिब इल्म जो है वो तलबा चाहते हैं कि मैम अब्सेंट नहीं हो। जब आपके बारे में बच्चे ये समझें कि आपके एब्सेंट होने से वो खुश हो, तो समझ जाइए कि गड़बड़ हो रहा है। सही माने में सब्जेक्ट से दिलचस्पी नहीं पैदा की जा सके। सब्जेक्ट से दिलचस्पी कैसे पैदा की जाए, दो तरीके हैं। नंबर एक, मैं 35 साल हो गए मुझे मौलाना तकरीर करते हुए, कितने साल, 35 ईयर्स, एक टाइम होता है। आज तक एक तकरीर भी मैंने बगैर नोट्स के नहीं किया है। लोग जब मैं किसी से कहता हूं कि भैया तकरीर तैयार नहीं हो, क्या बोलते हैं, अमे मौलाना तुम्हारे लिए तो इतनी तकरीरें, 8,000 तकरीरें मेरी रिकॉर्डेड हैं, लेकिन बगैर तकरीर की तैयारी के तकरीर नहीं करता हूं। फायदा आपको बता रहा हूं कि जब तकरीर करता हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, कैसा लगता है कि यह बात मुझे नहीं मालूम थी। अगर टीचर्स अपने आप को जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, अगर उस सब्जेक्ट की उस किताब को जिसको पढ़ाना है, अगर आप डेली पढ़ करके पढ़ाएंगे, तो क्लास में खुद बखुद बच्चे के अंदर दिलचस्पी पैदा होगी। और ये ना समझें अरे मैं तो इसको 10 साल से पढ़ा रही हूं। हमारे यहाँ मदारिस में एक एक उस्ताद 40-40 साल से किताब पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप जाएं उनके घर पे जाकर देखें तो दो दो ढाई ढाई घंटा एक किताब का मुताला करके आते हैं, और फिर आकर के क्या करते हैं, क्लास लेते हैं। तब दिलचस्पी पैदा होती है, तब वो सब्जेक्ट आसान होता है। जितना आप पढ़ती जाएंगे, आपके अंदर इतने अल्लाह ने गट्स रखे हैं, आइडियाज रखे हैं कि वो आइडियाज खुलेंगे, और जब खुलेंगे तो सब्जेक्ट जब पढ़ाया जाएगा ना तो वो आसान लगेगा बच्चों को। अगर हम खुद ही जो है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर क्लास ले रहे हैं तो बच्चे को जो है उस सब्जेक्ट से दिलचस्पी पैदा नहीं हो सकती। मैं आपको अपनी मिसाल दिया, मैं भी पढ़ाता हूँ नीचे से लेकर ऊपर तक क्लास अभी भी पढ़ाता हूँ, लेकिन जिस दिन नहीं पढ़ाता हूँ सुबह रोज़ाना दर्द देता हूँ। अल्लाह के फजल से 6 बजे जमात है, एक ज़माने से 4:30 बजे उठता हूँ, रोज़ाना 20 मिनट के दर्स के लिए 1.25 घंटा पढ़ता हूँ, डेली 1.25 घंटा पढ़ता हूँ। एक दिन अभी कल कैसे बात हुई कि मैं सफ़र में आया, बहुत थका था, बीमार था, मैं दर्स की तैयारी नहीं कर सका। मैंने जा कर के कह दिया कि आज मैं दर्स नहीं कर पाऊँगा, आप कोई किताब पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन मैं आज तैयार नहीं। कह रहे मौलाना साहब आपके लिए तैयारी क्या है, वो ये समझते ही नहीं लोग कि तैयारी के बाद दर्स की क्या हैसियत होती है। हर दिन परवरदिगार आलम जो है वो आपको, क्योंकि इल्म तो समंदर है ना, हम क्या हैं, कतरे के भी कतरा हैं, क्या हैसियत हमारी, कुछ नहीं है। और हर दिन हमारी अहलिया भी कहती है कि इतना पढ़ने की ज़रूरत क्या आपको, इतने दिन से दर्द दे रहे हो। अब उनको समझा चुके, अब वो बोलना बंद किया। हमने कहा तुम समझती नहीं हो, इस पढ़ने का फायदा ये होता है कि वो चीज़ें परवरदिगार आलम दिल में डालता है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज भी 100 पेज से 120 पेज डेली पढ़ने का औसत है, डेली 100 से 120 पेज पढ़ते हैं। अभी मौलाना ने कहा तलबा से खिताब करना है, उसके पहले कहा कि नहीं अब आप लेट हो गए हैं, तलबा से खिताब नहीं हो पाएगा। मैंने तलबा की तकरीर तैयार नहीं की। फिर 1 बजे मौलाना ने कहा कि नहीं तलबा से भी खिताब कर ले, मैंने कहा मैंने तकरीर नहीं तैयार की है, मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए टाइम पास करना अलग बात होती है, लेकिन एक आदमी आया है कितनी एतमाद से कि एक आदमी है हमको कुछ बातें बताएगा, हम उसका टाइम बर्बाद कर दें तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। लिहाजा बच्चों को उसके सब्जेक्ट से दिलचस्पी दिलाई जाए। और आखिरी चीज़ जिससे बच्चे खूब करीब होते हैं और खूब आपके बातें सुनते हैं, बच्चों में घुल मिलकर बातें करें।
घुल मिल कर, जैसे मिसाल के तौर पर लड़कियां हैं ज़्यादातर आपके पास, या लड़के जो भी हैं, कभी उनसे इनफरादी तौर पर बातें करें, कैसे होता है, तुम लोग कितने भाई बहन हो, बड़ा भाई तुम्हारा क्या करता है, छोटा भाई तुम्हारा क्या करता है, अम्मी तुम्हारे फीस जो है वो कैसे होती है, इनकम का क्या दरिया है, ऐसी बातें अगर आप उनसे करेंगे तो समझते हैं कि ये हमारे घर का एक फर्द है। तो खूब आपसे जो है ना दिलचस्पी रखेगा आपकी क्लास से। आप उसको सिर्फ जो है ना क्लास में आए, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, आप चले गए, वो चले गए, ये फॉर्मेलिटी है। जब तक जितना घुला मिला जाएगा बच्चों से, बच्चे महसूस करने लगे कि ये हमारे घर की एक हमारी उत्तानी ही नहीं है, हमारी माँ के दर्जे में है, अगर वो महसूस करने लगेगा तो आप फिर जो बात आप बोलेंगे वो मानेगा आपकी बात। उसको समझाने की कोशिश करें। कभी जो है ना मिसाल के तौर पर पेन लेकर नहीं आया बच्चा, आप निकालें, अच्छा लो ये पेन इस्तेमाल कर लो, और मांगे ना फिर उससे पेन, जाने लगे पेन लाओ पेन लाओ पेन पेन, ऐसा नहीं करें, वो खुद वापस कर दे ठीक है, लेकिन आप जब उसको पेन देख ले बेटा भूल गए, कोई बात नहीं होता है, भूल जाते हैं बच्चे हैं, ऐसे बातें करें बच्चों से, तब बच्चे जो है ना वो क्लोज होते हैं। तब जब बच्चे क्लोज होते हैं तब उसके असरात क्या होते हैं हमारे बच्चों के ऊपर पड़ते हैं, तब उनसे आप जो बातें बोलेंगे कि हमको अच्छा बनना है, हमको बहुत ज़्यादा जो है वो, और ख़ासकर आप जिस सोसाइटी में रह रही हैं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, इसमें तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो इल्म की कमी है ये बताने की कोशिश करें कि चंद लोग भी ऐसे नहीं हैं कि जिनको, उनसे खुद बताएं कि अच्छी टीचर हम चाह रहे हैं और वो हमारे स्टाफ में जो है मिलने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इस किस्म से अगर आप बातें करेंगी तो इंशाल्लाह जो है बच्चों के अंदर ये बात पैदा होगी। और आखिरी बात ये कि मिडिल क्लास की तालीम देना और मिडिल क्लास के रेंज में बच्चों को पास करा देना, इससे बेहतर ये है कि वो हाई स्कूल करने के बाद कोई दूसरा काम करें। अगर हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन, अब तो आपको मालूम है कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन विदाउट टेस्ट रह ही नहीं गया है। आप पीयूसी में बहुत अच्छा नंबर लिए हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक कि आप उनके उस गेट का या जो भी इस एग्ज़ाम है उसको जब तक आप क्लियर नहीं करते हैं। लिहाजा ये पूरी तौर पर समझाने की कोशिश करें कि मिडिल क्लास दरमियानी औसत में 50 और 70 के 20% में लेकर के पास होने का, अब इस दुनिया में ख़ासकर भारत में इतना ज़्यादा एजुकेशन, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि इसमें ऐसे लोगों का कोई गुजारा नहीं है। ये बातें आपसे करना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।